थैंक यू वासु, थैंक यू सो मच। क्यों? अब क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारी शादी इतने अच्छे से हो रही है। मेरे डैड हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पता है कितनी खुशी हो रही है मुझे, और मेरी मम्मी भी बहुत खुश हैं। थैंक यू वासु, थैंक यू। वासु, बुआ बुला रही हैं। हाँ, आ रहा। डैड, डैड, मिनिस्टर जी के पीए ने कॉल किया था अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ। गिव मी सम टाइम प्लीज। पद्दू कहाँ है? पता नहीं, यहीं तो थी अभी। पद्दू को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। शादी में जरूर आना, ओके बाय। सुनना, पद्दू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई होगी? यहीं गई होगी, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं देख लेता हूँ, जाओ। हाँ, आ रही हूँ। पद्दू, ए पद्दू, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं हो रहा वासु, तुम्हारा मुझसे इस तरह दूर जाना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे तुम बहुत पसंद हो, सोचा था कि तुम जैसे ही आओगे वैसे ही तुम्हें अपने मन की बात बता दूंगी, लेकिन मेरे बताने से पहले तुमने अपने मन की बात घर वालों को बता दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सपने देखे हैं तुमसे शादी करके इसी घर में रहने के, लेकिन इस घर में तो मेरी जगह श्री को तैयार किया जा रहा है, लग रहा है जैसे उसने मेरी जगह छीन ली है। शादी का मंडप तैयार करने पर, हॉल तैयार करने पर, इस शादी से रिलेटेड कोई भी काम करने पर ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिए होना चाहिए था। बचपन से ही नानी मुझसे ये बात कहती आ रही थी कि वासु ही तुम्हारा पति बनने वाला है, एक बार तुमसे भी कह देती कि पद्मावती तुम्हारी पत्नी बनेगी तो शायद तुम भी मुझे उस नजर से देखते, है ना वासु? लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त ही माना है। मैं श्री से प्यार ना भी करता तो भी मैं तुमसे यही कहता। तुम मेरे बारे में सब जानती हो, तुम मुझे समझती हो, फिर भी तुम ऐसे। समझती हूँ वासु, इसलिए बात किसी को नहीं बताई मैंने, लेकिन आज जब तुमने पूछा तो खुद को रोक नहीं पाई और सब कह दिया। एक बात तो सच है वासु, अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तुम वो सब देख लो ना। मामा जी, सारा इंतजाम कर दिया। 200 लोग खाना एक साथ खा सकते हैं। ठीक है। हाँ।
बस ये देख लो कि जो लोग आए हैं वो खुश हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिनिस्टर के पीए का बार बार फोन आ रहा है अपॉइंटमेंट। मैंने मिनिस्टर से बात करके प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, मेल कर दो। यजमान कहिए पंडित जी, आप यहाँ आकर बैठिए जी। ऐसी ट्रेडिशनल शादी देखकर मुझे बहुत दिन हो गए। मैंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग करवाई थी, लेकिन ये शादी देखकर 25-30 साल पुरानी शादी याद आ गई। आरके जी ने मुझसे कहा था कि शादी के लिए 5 दिन टाइम वेस्ट क्यों करना, और अपनी बेटी की शादी में सारे काम खुद कर रहे हैं वो। सर यहाँ वेस्ट। आई जस्ट चेक इट। या थैंक्स। शारदा, हाँ बाहर पंडित जी कब से दुल्हन को बुला रहे हैं, काफी देर हो गई है, इसे लेकर चलो। हाँ दीदी, वासु चलो बेटा, चलो गाना गाए क्या? चल चल, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ये यार की शादी। अच्छा सुन, जब तू बड़ा हो जाएगा तेरी शादी भी ऐसे ही करवाऊंगी। जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए? क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। इसको नीचे रखो। भगो अर्यमा सविता पुरंधिर मह्याम त्वादो गार्य पत्याय देवा। बेटा अब ये अक्षत और फूल वहाँ चढ़ा दो। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। शादी का मंडप मंदिर जैसा होता है, यह अष्टदिक्पालक सप्तऋषि सब होते हैं। एक बात तो सच है वासु, अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। जब तूने कहा कि श्री से तुम्हें शादी करनी है, पता है घर के सारे लोग क्यों मान गए? क्योंकि सबको तुम पर भरोसा है। अपनों से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सही वक्त पर ना बताकर बाद में बताएं तो खुद को कभी दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। क्या हुआ वासु? ऐसे शादी के मंडप से उठकर नहीं जाते। बैठ जाओ। वासु खड़े क्यों हो? आपसे बात करनी है। हम शादी के बाद बात करेंगे ना, बैठकर पूजा करो। नहीं पापा, अभी बात करनी है। अगर अभी बात नहीं की तो आपका और श्री का गुनहगार बनकर जीना होगा। सॉरी ससुर जी, आपसे वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जाता। वहां बैठकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसा वादा किया है बेटा? दादी माँ, शादी से पहले ही श्री को तलाक देने वाले कुछ डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन करवा लिए। शादी से पहले तलाक कैसा? उन्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है या इस शादी पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर शादी के लिए हाँ कहनी है तो मुझे दस्तखत करने होंगे,
तो मैंने कर दिए। ये क्या बात हुई? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद मिलकर रहे, और आप हैं कि शादी के पहले ही। गलती उनकी नहीं है दादी, मेरी है। हमारे प्यार के बारे में सबको बताने वाला मैं इस अग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बता पाया श्री, सॉरी। बचपन में बुआ की शादी में पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए मुझे उनका मतलब समझाया। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं ते देव बृहस्पति ध्रुवं ता इंद्रश्चा दाहितो राष्ट्रम धार्यताम ध्रुवम। जब तुम्हारे सिर पर जीरा और गुड़ लगाते हैं तब ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं ता इंद्रश्चा दाहितो राष्ट्रम धार्यताम ध्रुवक, ऐसा कहते हैं। मतलब अष्टदिक बालक को साक्षी मानकर वादा करना होगा कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन जो कागजात हमें अलग करेंगे उन पर दस्तखत करके मैं वहां बैठकर ये वादा कैसे कर सकता हूं श्री? कन्यादान करते वक्त धर्मेचा अर्थेचा कामेचा मोक्षेचा नाति चरितव्य, ऐसा कहते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम में मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, और इसके बाद नादचरामी कहते हैं, इसका मतलब है कि मुझे ये मंजूर है। तलाक के कागजात पर दस्तखत करके धोखा देने वाला वहां बैठकर नादचरामी कैसे कह सकता है? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालते वक्त मांगल्यम तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुमगे तुम जीवम सरदाम सुभम, ऐसा कहते हैं। मतलब मेरे जिंदगी का कारण इस सूत्र से मंगल नाम का रिश्ता तुम्हारे गले में बांध रहा हूं। कब का उस रिश्ते को तोड़ने के लिए दस्तखत करने वाला वहां बैठकर अभी वो मंत्र पढ़ सकता है श्री? पहली गांठ बांधने के बाद पूषा द्वेत नयत हस्त गृह अश्विनो द्रव प्रवाह ताम्र देना गुमान कचा गृह पत्नी यथा सोवसी निवात ब्रुदतम अवदाभ्य। मतलब घर की मालकिन की तरह हुक्म चलाकर तुम हमें सुधारने के लिए हमारे घर आ जाओ, ये होता है। लेकिन तुम्हें अपने घर वापस भेजने वाले कागजात पर दस्तखत करने वाला तुम्हें घर बुलाने के लिए वहां बैठकर मंत्र कैसे पढ़ सकता है श्री? कैसे पढ़ सकता है? ऐसे एक या दो नहीं, वहां बैठकर जो हर एक मंत्र में पढ़ूंगा उसका मतलब है, जो हर एक काम में करूंगा उसकी पवित्रता है। इसीलिए मंडप में बैठकर इतने छोटे वादे में नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा श्री। तुम हमेशा कहती थी ना कि शादी का मतलब त्योहार होता है, ऐसा त्योहार इतनी शर्तों पर इतनी गलतियों के साथ नहीं होना चाहिए दादी। नहीं, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वासु, गलती मैंने की है, तुम सॉरी मत कहो। कव्य, इस एग्रीमेंट के बारे में गलती मैंने की, आप सबको मुझे माफ करना होगा। हर बात को बिजनेस की तरह देखने वाला मैं हमेशा एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोचता हूं, और मेरे लिए ये रिश्ता करने से पहले, यहां ये सब कुछ देखने से पहले तक शादी एक इवेंट की तरह थी। मतलब हमारे घर की शादी या किसी और की, इट्स जस्ट एन इवेंट फॉर मी। ऐसी सोच रखने वाले मुझको जब रस्मों में बुलाया जा रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी लेकिन यहां इतनी रस्में होती हैं, एक जर्नी होती है, यह मुझे पता नहीं था। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। जब हमारे घर में शादियां होती हैं तो इवेंट मैनेजर्स को सौंप के हम निश्चिंत हो जाते हैं,
किसी ने हमें शादी में बुलाया है, नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए वहां जाकर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है, इसलिए जाना पड़ेगा। अटेंडेंस डलवाना ही पता था मुझे। दूल्हा दुल्हन के साथ, घर वालों के साथ फोटो ले ली तो मतलब शादी में आ गए। हम जैसे लोगों को तो दिल से आशीर्वाद देने का मतलब भी नहीं पता। आशीर्वाद देने के लिए अक्षत देने पर उसे डालकर हाथों पर लगी हल्दी को साफ करने के लिए टिश्यू ढूंढने वाले मुझ जैसे लोगों को यहां आने के बाद समझ में आया कि उन अक्षत के पीछे चावल गीले करके उन्हें सुखाकर हल्दी से रंगने का मतलब पिता का प्यार है, जिम्मेदारी है, बेटी के साथ उसके रिश्ते का एहसास है। परसों जब यहां बहुत रिश्तेदार आ रहे थे तब समधी जी से मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अगर सबको अपना माने तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं और अगर ना माने तो हम सब अकेले हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने आप को सबसे कितना अलग कर रखा है। शादी की अहमियत जाने बिना मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ कितना अन्याय किया। जब अपनी बीवी से कहा, लक्ष्मी हमें 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, तो अच्छा जी कांग्रेचुलेशंस कहकर चली जाती। कभी इसकी आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उसके लिए मॉल में सिर्फ 5 मिनट दिया और एक आदर्श पति की तरह एक साड़ी खरीदने पर वो कितनी खुश हुई, ये मैंने परसों देखा। अपनी बेटी को कॉस्टली गिफ्ट देने के लिए मैंने कॉस्टली कार दिलवाई थी, तब उसकी आंखों में उतना रिएक्शन नहीं था। लेकिन जब उसके लिए उस पर्दे पर मैं ओम लिख रहा था पीली मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी, उससे पूजा करते समय जो उसकी आंखों में चमक दिखी, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन बनकर मैं जो सबके घरों में रहना चाहता था, आज तक अपने ही घर में नहीं था, लेकिन आप सब लोग सबके घरों में हो। मैं सोचता था कि अपनी बेटी को धन दौलत पैसा देकर मैं अपनी निगाहों में एक महान पिता बन जाऊंगा। मुझसे अपनी बेटी की शादी में सारी रस्में करवाकर पिता की जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने के लिए थैंक यू वासु। तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, मुझे समझ में नहीं आता था, पर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये जानते हुए भी, यहां मौजूद इन सबको बताने की जरूरत ना होने पर भी, अपनों से सच नहीं छुपाना चाहिए यह सोचकर सबके सामने तुमने सॉरी कहा ना, यह तुम्हारे संस्कार की वजह से है, महान संस्कार। मेरे काफी सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला खुशकिस्मत है। नहीं वासु, मुझे लगता है कि तुम जैसा दामाद पाना मेरी खुशकिस्मती है। आप सबको दुखी करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, प्लीज फॉरगिव मी, माफ कर दीजिए। अरे अरे, हमारे बीच माफी कैसी, अब शादी की अहमियत पहले जैसी क्यों नहीं रही, रिश्तों में से प्यार इस तरह दूर क्यों हो रहा है, इस बात को जैसे आप समझ गए हैं वैसे सब समझ जाए तो अच्छा होगा। जिस रिश्ते में कोई लगाव ना हो उसे आगे बढ़ाना और परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ते रहना सही नहीं है, समझे जी। चलो एक मिनट पापा, उस मंडप में जाने से पहले इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाने के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm sorry, श्री। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाकर सिर्फ सॉरी कहोगे वासु? क्या चाहती हो तुम? जिंदगी भर के लिए तुम्हारा वक्त उधार चाहिए।